कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से मिशन उत्तराखंड पर हैं। आज राहुल गांधी अल्मोड़ा में चुनावी रैली करेंगे। राहुल गांधी 1 बजे अल्मोड़ा पहुंचेंगे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी अल्मोड़ा में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। कार्यक्रम में सीएम हरीश रावत के साथ कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे, जहां सीएम हरीश रावत अपनी सरकार के 5 सालों की उपलब्धियां गिनाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रहेंगे। यहां वो दोपहर में कैलाश हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और श्याम जाजू भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस्तीफा दे दिया है। नजीब जंग ने केंद्र सरकार को अपना इस्तीफा भेज दिया है। अपने कार्यकाल से 1.5 साल पहले ही नजीब जंग ने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के इस्तीफे को लेकर गृह मंत्रालय को भी कोई जानकारी नहीं थी। गृह सचिव राजीव महर्षि के मुताबिक 2 दिन पहले जब उनकी उपराज्यपाल से मुलाकात हुई थी, तो उस दौरान भी उन्होंने इस्तीफे को लेकर कोई संकेत नहीं दिए थे। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कार्यकाल खत्म होने से 18 महीने पहले इस्तीफा देने के नजीब जंग के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे सवालों को दरकिनार कर दिया है। नजीब जंग की जगह दिल्ली के नए उपराज्यपाल की रेस में पूर्व गृह सचिव अनिल बैजल, किरण बेदी और बीएस बस्सी का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर का नाम एनआईए की चार्जशीट में डालने के बाद अब गृह मंत्रालय चार्जशीट में दिए गए सबूत और इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर नया डॉजियर तैयार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस नए डॉजियर को गृह मंत्रालय विदेश मंत्रालय को भेजेगा, ताकि मसूद अजहर और पठानकोट के हैंडलर पर शिकंजा कसा जा सके। इस नए डॉजियर के जरिए पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सकेगा, साथ ही संयुक्त राष्ट्र में भी भारत का पक्ष मजबूत होगा। एनआईए ने हैदराबाद में कुछ समय पहले सक्रिय पाए गए आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकियों के मॉड्यूल पर एनआईए ने शिकंजा कस दिया है। एनआईए ने 8 आईएस संदिग्धों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए ने खुलासा किया है कि ये संदिग्ध भारत में पेरिस हमले जैसे ब्लास्ट करना चाहते थे। चार्जशीट के मुताबिक आईएसआईएस के आतंकियों ने पेरिस हमले की तरह तैयारी कर रखी थी। चुनाव आयोग ने रजिस्टर्ड लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर नकेल कसने की कोशिश शुरू कर दी है। आयोग ने चुनावी चंदे के गलत इस्तेमाल की आशंका पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी से ऐसी 255 पार्टियों के खातों की वित्तीय स्थिति की जांच कराने को कहा है। चुनाव आयोग ने बुधवार को सीबीडीटी के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि इस साल फरवरी से 15 दिसंबर तक 255 रजिस्टर्ड लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को गैर सूचीबद्ध किया गया है। इन दलों ने 2005 से 2015 तक एक भी चुनाव नहीं लड़ा था। नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर चुकी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे 67.54 लाख लोगों की पहचान की है, जिन्होंने टैक्स देनदारी के बावजूद साल 2014-15 का टैक्स नहीं चुकाया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट एक्सेस यानी सीबीडीटी ने ऐसे लोगों की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वालों की पहचान के लिए नॉन फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है। सऊदी अरब ने नकली नोट रैकेट के सरगना अब्दुल सलाम को भारत के हवाले कर दिया है। रियाद से अप्रत्यय अब्दुल को गुरुवार को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते ही एनआईए के अधिकारियों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। अब्दुल सलाम उर्फ पोडी सलाम केरल के मलप्पुरम का रहने वाला है। वो बड़े नकली नोटों की तस्करी में शामिल था। उसने 9.75 लाख रुपए मूल्य के नकली भारतीय नोट तस्करी के जरिए भारत भेजे थे। कर्नाटक सरकार अगले कुछ दिनों के भीतर प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में कर्नाटक के लोगों को 100% आरक्षण देने का प्रारूप तैयार कर रही है। सिलसिले में राज्य के श्रम आयोग ने 1961 के कर्नाटक औद्योगिक रोजगार नियम में संशोधन कर प्रारूप तैयार कर लिया गया है।
ये कोटा ब्लू कॉलर जॉब यानी कामगार श्रेणी के लिए होगा। 100% कोटा इंफोटेक और बायोटेक सेक्टर को छोड़कर उन सभी निजी उद्योगों पर लागू होगा जिन्हें राज्य सरकार की औद्योगिक नीति के तहत छूट मिल रही है। जयपुर में एटीएस के एडिशनल एसपी का शव बरामद किया गया है। शिवदासपुरा इलाके में आशीष प्रभाकर का शव मिला है जिसका नाम एटीएस के होनहार ऑफिसर्स में शुमार किया जाता था। बताया जा रहा है कि आशीष प्रभाकर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हैरानी की बात यह है कि उनका शव एक कार में मिला है। इतना ही नहीं, उनके साथ एक महिला का भी शव उसी कार में बरामद हुआ है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सर्विस रिवॉल्वर से सुसाइड किया गया है, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगा। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है, साथ ही ये पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इतने बड़े ऑफिसर ने अगर सुसाइड किया है तो क्यों किया है और वो महिला कौन है जो उनके साथ कार में मौजूद थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज एटा दौरे पर रहेंगे और सीएम अखिलेश यहां 51,000 करोड़ की लागत से बनने वाले जवाहर तापीय विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान सीएम अखिलेश जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम के एटा दौरे को देखते हुए इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम यहां कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अखिलेश गुरुवार को किए गए अपने ऐलान पर पिछड़ी जाति के लोगों को मंच से रिझाने की भी कोशिश कर सकते हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को सीएम अखिलेश ने 17 पिछड़ी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने का ऐलान किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेज दिया है। हालांकि सीएम के इस फैसले को विरोधी दल महज पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को आज से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने भव्य तरीके से 21 नवंबर को की थी। जब इसका रियलिटी चेक किया गया था तो मिला कि अभी भी इस एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर काम जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे इसे आम जनता के लिए खोला जाएगा। इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज वेंकट सुबिया से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि काम तो सब पूरा हो चुका है और जहां भी थोड़ा बहुत काम रह गया है उसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अब पुराने नोटों से टैक्स सरचार्ज पेनल्टी जमा कर सकते हैं। सरकार ने उन लोगों को राहत दी है जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अपने काले धन की घोषणा कर रहे हैं। इस स्कीम के तहत आप पुराने नोटों का इस्तेमाल 30 दिसंबर तक कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोग 31 मार्च 2017 तक 50% जुर्माना देकर अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम का खुलासा कर सकते हैं। स्ववित्त पोषित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अपने कोटे में अल्पसंख्यक समुदाय से 50% सीटें भरने का ही अधिकार है। बाकी 50% सीटें संबंधित यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग ही भरी जाएंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। दरअसल यूपी में कई अल्पसंख्यक संस्थानों ने बीएड में 2014 से 16 और 2015 से 17 के सत्र में 100% सीटें खुद ही भर ली थी। बाद में संबंधित विश्वविद्यालयों ने 50% छात्रों की परीक्षा लेने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते कई दर्जन अल्पसंख्यक संस्थानों के हजारों बच्चों का भविष्य खराब हो गया था। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि संबंधित अल्पसंख्यक संस्थान हर उस छात्र छात्रा को 3 लाख रुपए का हर्जाना दें जिसकी परीक्षा लेने से विश्वविद्यालय ने इनकार किया है। हाईकोर्ट ने 90 दिनों में पैसे न देने की सूरत में विश्वविद्यालय से संस्थान की मान्यता रद्द करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सूबे में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को बीटीसी के समकक्ष कोर्सेज चलाने का अधिकार नहीं है। दरअसल 50% के ऊपर के अल्पसंख्यक संस्थानों के दाखिले की परीक्षा लेने के मेरठ विश्वविद्यालय के आदेश को गाजियाबाद के संकल्प इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जल्द ही रेलवे किराए तय करने का एक नया सिस्टम ला सकता है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे जल्द ही किराए की महंगाई से लिंक कर सकता है, यानी जितनी महंगाई बढ़ेगी ट्रेनों का किराया भी उतना ही बढ़ेगा। सूत्रों की माने तो ये WPI यानी थोक महंगाई दर के आधार पर तय किया जाएगा। ये प्लान हाल ही में हुए रेल विकास शिविर के दौरान चुने गए 36 बिग आइडियाज में से एक है जो रेलवे का कायाकल्प करने के लिए चुने गए थे।
प्रधानमंत्री की पहल पर रेलवे ने रेल विकास शिविर का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 1,00,000 आइडियाज में से 36 बिग आइडियाज चुने गए थे। इसके तहत रेल मंत्रालय ने रेलवे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिस भी बनाया जाएगा, जिसको सीईओ रैंक के एक अधिकारी हेड करेंगे। साथ ही कार्यालय पर ही इन 36 बिग आइडियाज को लागू करने का जिम्मा भी होगा। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ये बेहद गंभीर मामला है, ऐसे में हर उस शख्स को खंगाला जाए जो इस मामले पर थोड़ी भी जानकारी दे सकता है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने कर दी है। वहीं सहमति के बावजूद नजीब का रूम में लाई डिटेक्ट टेस्ट देने से नहीं पहुंचा है। साउथ ईस्ट एशिया में पहली बार एम्स ने रोबोटिक आर्म की मदद से न्यूरोसर्जरी को अंजाम दिया है। एम्स के न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टरों ने अब तक 60 मरीजों की सफल सर्जरी की है और डॉक्टर इस रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल मरीज के दिमाग के अंदर की बीमारी का सही लोकेशन जानने और वहां तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में बने पालिका बाजार में एनटीएमसी ने रिवर्स वेंडिंग मशीन की शुरुआत की है। इसमें प्लास्टिक की बोतल डालने पर लोगों को डिस्काउंट कूपन मिलेंगे। डीएमआरसी ने बुधवार को मेट्रो फेज 3 के मजेंटा लाइन के एक और सेक्शन पर ट्रायल शुरू कर दिया है और ये ट्रायल जनकपुरी पश्चिम से T1 IGI एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन के बीच शुरू हुआ। गाजीपुर मछली एवं मुर्गा मंडी से निकले वाले कचरे को बिजली बनाने के लिए दिल्ली सरकार यहां एक एनर्जी प्लांट लगाने वाली है। इसके लिए जल्द ही टेंडर भी आमंत्रित किए जाएंगे। ये प्लांट 1500 स्क्वायर मीटर एरिया में लगाया जाएगा, जिसकी क्षमता 10 मेट्रिक टन प्रतिदिन होगी। गाजीपुर मछली मुर्गा मंडी में पिछले 5 साल में कचरे को हटाने में करीब 12 करोड़ का खर्च हुआ है। महाराष्ट्र की महिला और बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे को 206 करोड़ रुपए के चिक्की घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से क्लीन चिट देने पर एनसीपी ने सवाल उठाए हैं। एनसीपी प्रवक्ता नवाज मलिक का कहना है कि ये कदम हाईकोर्ट की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है। शीना बोरा मर्डर केस में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी को पिता के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करने की इजाजत मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने उनके असम जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही इंद्राणी को मीडिया से किसी भी तरह की बातचीत के लिए मना किया गया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने मुंबई के वेस्टर्न रूट रेलवे पर अब नए बने स्टेशन राम मंदिर का उद्घाटन किया। जोगेश्वरी और गोरेगांव स्टेशन के बीच बनाए गए स्टेशन के उद्घाटन समारोह में शिवसेना और बीजेपी के बीच श्रेय लेने की भी होड़ देखी गई। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक यात्री के पास से 2,000 रुपए के 28,00,000 रुपए कैश पकड़े गए हैं। अशरफ नाम का ये यात्री दुबई जाने की तैयारी में था, उसके बैग की तलाशी ली गई तो कैश बरामद किया गया। पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। मुंबई के पास बदलापुर में गटर की सफाई के लिए उतरे दो मजदूरों की जहरीली गैस के चलते मौत हो गई। दोनों मजदूर एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करते थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में घरों को सप्लाई होने वाली पीएनजी गैस लाइन में लीकेज की वजह से आग लग गई, जिसमें इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुंबई के विक्रोली में एक बेस्ट बस ने 7 गाड़ियों को टक्कर मार दी। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। दरअसल ये हादसा उस वक्त हुआ जब बेस्ट बस विक्रोली से मुंडल की तरफ जा रही थी। बेकाबू होने के बाद बस ने एक के बाद एक 3 कार और 3 ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए, वहीं बस और ऑटो क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के समय बस में 50 पैसेंजर्स मौजूद थे। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और इस बात की भी जांच की जा रही है कि हादसे के वक्त कहीं ड्राइवर नशे की हालत में तो नहीं था।
बिहार के पटना में 102 एम्बुलेंस के कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। गर्दनी बाग में एम्बुलेंस के कर्मचारी पिछले 58 दिनों से धरना दे रहे थे, लेकिन इतने दिनों में सरकार के एक भी अधिकारी उनसे बातचीत के लिए नहीं पहुंचे, जिससे नाराज एम्बुलेंस कर्मचारी रोड पर आ गए और हंगामा करने लगे। हंगामे के बाद पुलिस वहां पहुंची और कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन कर्मचारियों का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद पुलिस ने सड़क से कर्मचारियों को हटाने के लिए लाठी चार्ज किया और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। बिहार के वैशाली के महुआ थाना क्षेत्र के शर्मा गांव में एक युवक की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग की वजह से युवक की हत्या हुई। युवक की हत्या के बाद नाराज ग्रामीणों ने आरोपी के घर पर धावा बोल दिया, जिसके बाद पुलिस ने प्रेमिका के पिता और प्रेमिका को हिरासत में ले लिया है। इस बीच नाराज लोगों ने पुलिस को भी निशाना बनाया और जमकर पथराव किया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। आरोपी भी घर को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। मौके पर डीएम रचना पाटिल और एसपी राकेश कुमार और तिरहत के डीआईजी पहुंचकर कैंप कर रहे हैं, साथ ही स्थिति को नियंत्रण में है इस बात की भी जानकारी ले रहे हैं। हालांकि एहतियातन भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। एक महिला की मौत के बाद फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान अस्पताल के डीएस डॉक्टर अजय कुमार सिंह को निशाना बनाया और मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि एक मरीज की मौत के बाद भड़के लोगों ने अस्पताल में जमकर उत्पात मचाया। मामले में गर्भवती महिला की इलाज दबाव देकर अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया था और जब मामला हाथ से निकल गया तो पूर्णिया रेफर कर दिया गया, मगर रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस के अमानवीयता की तस्वीरें सामने आई है। मामला नवादा का है। हिसुआ थाने के भेलवा गांव के पास बस ने एक साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक जख्मी हो गया। कुछ लोगों के सहयोग से उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हिसुआ लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे नवादा सदर अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं रहने के कारण उसे मैजिक गाड़ी से भेज दिया गया। कई घंटों तक जमीन पर पड़ा रहा युवक जिंदगी की जंग के लिए हर हार गया, और क्योंकि उसके शरीर से खून ज्यादा बह गया था और उसकी मौत हो गई। युवक हिसुआ का रहने वाला था और उसका नाम रंजीत था। बिहार के जमुई में जीआरपी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ट्रेन में जांच के दौरान जीआरपी ने 20 पिस्टल बरामद की। बरामद पिस्टल को कियूल के ले जाया गया है। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि ये पिस्टल कहां से आए गए थे और इसे कहां पहुंचाना था। पुलिस को पहले ही सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर ट्रेन में हथियार लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने ट्रेन की तलाशी ली और इसी दौरान 20 पिस्टल बरामद की गई। पुलिस की सूचना पर तस्कर फरार हो गया। बरारी थाना अंतर्गत मायागंज अस्पताल की 22 वर्षीय नर्सिंग छात्रा आभा ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका नर्सिंग सेकेंड ईयर की छात्रा बताई जा रही है, जो सबौर धनकर की रहने वाली है। इस पूरे घटना ने अस्पताल प्रशासन की नींद उड़ा दी है। बांका सदर अस्पताल में सुविधाओं की घोर कमी है। आईसीयू और ब्लड बैंक की सुविधा नहीं होने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बांका में साल 2010 में सदर अस्पताल शुरू हुआ था, लेकिन 6 साल बाद भी इन सुविधाओं के लिए मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। सीरिया की सेना ने 4 साल बाद अलेप्पो शहर पर पूरी तरह से कब्जा करने का दावा किया है। इसे 2001 में गृह युद्ध भड़काने के बाद विरोधियों पर सबसे बड़ी जीत बताया जा रहा है। पहले रेड क्रॉस ने कहा कि शहर छोड़ने के आखिरी चरण में 4000 से ज्यादा लड़ाकों ने विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके को खाली किया। विपक्ष के समर्थकों के लिए बड़ी हार मानी जा रही है। ये इराक के मोसुल में आईएसआईएस और सीरिया के बीच जंग जारी है। मोसुल के दक्षिण पूर्व में नतिसार इलाके में पिछले कई दिनों से भयंकर लड़ाई चल रही है। आईएसआईएस के साथ लड़ाई में टर्की के अब तक 35 सैनिक मारे जा चुके हैं। टर्की के रक्षा मंत्री ने ये जानकारी अंकारा में संसदीय कमेटी को दी है। ईरान की नेशनल एयरलाइन ने
100 विमान खरीदने के लिए एयरबस के साथ एक समझौता किया है। ये विमान अगले साल की शुरुआत से ही मिलने लगेंगे। इससे 10 दिन पहले ईरान ने बोइंग से भी 80 विमान खरीदने का ऐलान किया था। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि अमेरिका को अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को और मजबूत करके उसका विस्तार करना चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ऐसा तब तक करना चाहिए जब तक दुनिया को परमाणु हथियारों की समझ नहीं आती। चीन ने कार्बन डाइऑक्साइड को मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। टेंसेट नाम की इस सैटेलाइट का काम हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के वितरण और उसके असर की जांच करना होगा। जापान और अमेरिका के बाद ऐसा करने वाला चीन तीसरा देश है।